हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूँ डब्ल्यू जे सवाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CBSE DJ कोचिंग में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप दैट बढ़िया ही होंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.4। तो इस एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं, हिंदी मीडियम वाले देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.4 कैसे दिखता है। देखिए ऐसे दिखता है एक्सरसाइज 1.4। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या एक दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत है। माना बिना भाग किए बताइए कि परिमेय संख्या है दशमलव में शांत है कि अशांत। इंग्लिश में देखेंगे क्या कह रहा है जी, इंग्लिश में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या कह रहा है जी, जैसे हम लोग पता करते हैं कि कोई क्या होता है टर्मिनेटिंग यानी शांत परिमेय संख्या है कि अशांत होता है। देखिए मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ ये शांत अशांत टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जी, परिमेय संख्याएं दो टाइप की होती हैं। देखिए हमने देखा था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब शांत, शांत मतलब क्या जी, कुछ प्लेसेस के बाद क्या होता है डेसिमल एक्सप्रेशन दशमलव प्रसार क्या होता है खत्म हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग यानी शांत परिमेय संख्या कहते हैं। और जो क्या होता है कुछ प्लेस के बाद भी क्या होता है ख़त्म नहीं होता, लगातार आते रहता है उसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं अशांत। लेकिन यह रिपीट होता है, रैशनल की क्वालिटी क्या है परिमेय संख्या की क्या क्वालिटी है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है दशमलव प्रसार क्या होता है ख़त्म तो नहीं होता लेकिन रिपीट होता रहता है, यानी अशांत होता है कभी ख़त्म नहीं होता लेकिन रिपीटिंग होता है आवर्ती होता है, आवर्ती मतलब बार बार आना। ठीक है, आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये शांत अशांत क्या होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमको बताना है जी, क्या करना है हमको बिना लॉन्ग डिवीजन करके बताना है। जैसे देखिएगा जो ऊपर कुछ देखेंगे तो यहाँ देखो, देखिए क्या बताया जा रहा है, ये सेवन क्या किया गया, 1/7 का क्या किया गया, 1/7 को भाग किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमको बिना लॉन्ग डिवीजन किए बिना भाग किए देख के बताना है जी कि क्या है, कि यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्वालिटी होता है, क्या क्वालिटी होता है जी, स्टार्टिंग में देखेंगे हम लोग तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि का क्या रैशनल नंबर के पास एक क्वालिटी होता है। देखिए जी छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि चिंता करने वाली बात है। देखिए जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए रैशनल नंबर होता क्या जानते हैं हम लोग, किसी भी नंबर को पी अपन क्यू यानी क्यू डेसिमल टू क्यू जीरो यानी क्यू नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं। और देखिए ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, यह दो टाइप से क्या होता है कटता है। देखिए एक चीज़ तो आप ध्यान देंगे कि इसका जो नीचे वाला क्यू होता है उसी को देख के हम लोग क्या बता सकते हैं कि कोई टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी शांत है या अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। आई होप दैट आपको यह समझ में नहीं आया होगा। चलिए जी मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ कि देखिए एग्जांपल में चलते हैं हम लोग कि इस रैशनल नंबर को हम लोग लेंगे यानी इन परिमेय संख्याओं को लेंगे 0.375 को, 0.104 को, 0.0875 को, इन सबको लेंगे, इन सबको हम जानते हैं जी 0.375 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 375/100 लिख सकते हैं, सॉरी 1000 लिख सकते हैं क्योंकि जितना प्लेस होता है उतना जीरो लगाते हैं, सॉरी 1000 लिख सकते हैं, तो 375/10^3 आ जाएगा। वहीं पर 0.104 को क्या लिख सकते हैं, 104/1000 लिख सकते हैं, 104/10^3 आ जाएगा। तो इस तरह समझ रहे हैं तो ध्यान से क्या देख रहे हैं कि यह जो टर्मिनेटिंग है यह क्या है जी, शांत है, ख़त्म हो जा रहा है ना कुछ प्लेस के बाद। तो ध्यान से इसको जो हम लोग बदल रहे हैं और नीचे क्या मिल रहा है, नीचे हमको 10 के ऊपर पावर मिल रहा है, क्या मिल रहा है जी 10 के ऊपर पावर मिल रहा है। मैंने क्या बताया था अब ध्यान देंगे, मैंने बताया था कि भाई देखिए ये जो टर्मिनेटिंग होता है कुछ प्लेस के बाद ख़त्म हो जाता है तो उसके नीचे क्या मिलता है जी, हमको निश्चित रूप से 10 का पावर मिलता है, 10 के ऊपर यानी 10 के ऊपर ही कुछ ना कुछ पावर मिलता है, तो नीचे क्या हो जा रहा है क्यू 10 हो रहा है। अक्सर जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं यानी शांत वाले होते हैं उनके नीचे क्या जाता है
क्यू क्या होता है, 10 का पावर में। तो देखिए जो नीचे वाला क्यू है, नीचे वाला देखिए एक बार फिर से देखेंगे इसी एग्जांपल को। 10 पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 3 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, पावर दोनों के ऊपर इक्वल चला गया। तो ये क्या दिख रहा है जी, ये दिख रहा है कि जो यह डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं 375 बटा 10 पावर 3 आ रहा है, इसको हम लोग 3 पावर 5 पावर 3 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कट जाएगा, यानी 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 पावर 3 आ जाएगा। ये दिख रहा है, यानी जितने भी पावर होते हैं 10 के, कॉमन फैक्टर काटने के बाद क्या आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग आ जाता है। ध्यान से देखेंगे सब में कुछ पैटर्न मिल रहा है, 0.375 में भी 3 अपॉन 2 पावर 3 मिल रहा है, इसमें देखें 0.104 बटा 10 पावर 3 मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे यह क्या हो रहा है, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, यानी 13 बटा 5 पावर 3 आ जा रहा है। 0.075 में देखेंगे तो क्या रहा है, 7 अपॉन 2 पावर 4 इंटू 5 आ रहा है। यानी निश्चित रूप से या तो यह देखिए 9 क्लास में आपको बताएगा, नहीं बताएगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि रैशनल नंबर का एक जो क्वालिटी होता है टर्मिनेटिंग का, वो क्या होता है, उसके भीतर क्या आता है, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला क्यू होता है, वो उसके ऊपर क्या होता है, 10 का पावर होता है। और 10 में जानते हैं क्या होता है, 10 में हम लोग जानते हैं क्या होता है जी, प्राइम फैक्टर होता है 10 का क्या, 2 और 5। यानी नीचे में क्या आता है, 2 और 5 ही आता है। यानी रियल नंबर हमने देखा कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसका प्राइम फैक्टराइज करने पर जो q होता है वो किसके फॉर्म में होता है, 2 पावर n और 5 पावर m। तो क्लियर हो रहा है, आप जान जाएंगे, यह पहले से यह आपके 9th क्लास में बताया गया है। हिंदी वाले मीडियम में देखेंगे सेम टू सेम हिंदी मीडियम में क्या जी, परिमेय संख्या में दशमलव प्रसारों का पूर्णवर्णम या परिमेय संख्या में देखते हैं तो क्या देखते हैं जी, हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर का जो क्यू होता है वो किस रूप में होता है, वो निश्चित रूप से किस फॉर्म में होता है, पी बटा क्यू का जो परिमेय संख्या होता है, क्यू क्या होता है, भाज्य गुणनखंड होता है, प्राइम फैक्टर होता है, 2 पावर n 5 पावर m के रूप का होता है, n m कोई ऋणोत्तर गुणांक क्या होते हैं, होते हैं, नॉन निगेटिव होते हैं, मतलब क्या माइनस वाले नहीं होने चाहिए। तो कन्फर्म हो गया, आइए हम लोग इसके बाद देखते हैं थ्योरम की, क्या थ्योरम है जी, थ्योरम कह रहा है थ्योरम 1.5, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू आर कोप्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म 2 पावर n फैक्टर वेयर m नॉन निगेटिव। तो आ जा रहा है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है x माना है यहाँ पे, कोई भी परिमेय संख्या x है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, खत्म होता है, टर्मिनेट होता है, शांत होता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, को प्राइम सह अभाज्य संख्या है। मैंने क्या बताया, इनके बीच में एक के अलावा, वन के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो इस तरीके से जो नीचे वाला q होता है वो किस रूप में होना चाहिए, 2 पावर n 5 पावर m, बस इतना ही है। मतलब क्या जी, कोई भी रैशनल नंबर है p बटा q के रूप में लिखा जा रहा है, तो नीचे वाला q किस रूप में होता है, या तो 2 पावर n या तो 5 पावर m, या दोनों के रूप में होता है। क्लियर हो गया जी, यह आपको क्लियर होना चाहिए। देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल बताया जाए, 3/8 को हम लोग लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 पावर 3 इक्वल टू 3 इंटू 5 पावर 3 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं जानते हैं, इसको ऊपर नीचे गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल दशमलव में बनाने में हमको आसानी होता है, इस 375 बटा 10 पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, 0.375 आ गया। समझ में आ रहा है आपको, यानी जो पीछे हम लोग देखे थे, यही देखे थे ना, यही तो देखे थे, यह क्या होगा, 3 अपॉन 2 पावर 3 क्या होता है, 3/8 ही ना होता है जी, 3/8 ही ना होता है। तो समझ में आ रहा, कुछ रिलेशन समझ में आ रहा आप लोगों को, देखिए 13/125 क्या लिख सकते, 13/5/3 5/25 125 होता है, 13/2/3 इंटू 2/3 जानते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14/10^3 हो जाएगा, देख रहे हैं इक्वल टू क्या हो, 0.104। तो ये समझ में आपको आ गया कि कोई भी रैशनल नंबर हो और पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा रहा, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला जो क्यू होता है, वो किस रूप में होता है, 2 पावर n 5 पावर m में हो सकता है। यानी हम किसी भी रैशनल नंबर को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो नीचे वाला क्या होता है, पावर ऑफ 10 होता है। कन्फर्म हो गया, थ्योरम 1.5 समझ में आ गया। पर मैं 1.5 देखेंगे क्या कह रहा है, पर मैं 1.5 क्या कह रहा है, मान लीजिए एक एक्स क्या एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब खत्म हो जाता है, एक्स को पी बटा के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ पी और क्यू सब अभाज्य होता था, क्यू अभाज्य गुणनखंड 2n पावर के रूप में, जहाँ n को ऋणोत्तर, मतलब नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ऋण नहीं होना चाहिए। तो कन्फर्म हो रहा है जी, यहाँ पर दे रहा है कि आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि प्रमेय 1.5 का विलोम का क्या होगा, उसको क्या क्या
क्या क्या कह सकते हैं, तो जानते हैं इसका विलोम भी क्या होगा, सही होगा। हमने क्या देखा था जी, 1.5 देखा, क्या देखा 1.5, कि कोई भी नंबर एक्स है अगर रेशनल नंबर पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा रहा है तो नीचे वाला क्या आना चाहिए, 2 पावर n, मतलब 10 का पावर आना चाहिए, उसमें 2 पावर n और 5 पावर m आना चाहिए, कन्फर्म हो रहा है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यही होगा जी, अगर यहाँ पर हम लोग देखें कोई रेशनल नंबर है तो उसका पी बटा क्यू के रूप में, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर n और 5 पावर m। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अगर कोई भी क्यू, कोई भी इससे मतलब नहीं कि कौन है, कोई भी क्यू 2 पावर n 5 पावर m है, तो जो नंबर मिलेगा हमको x वह क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, और जो x होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह क्या होगा, टर्मिनेट करेगा, यानी वह क्या होगा जी, वह निश्चित रूप से शांत होगा, क्या होगा जी, वह शांत होगा, मतलब वह कुछ प्लेस के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए इसी का तो उल्टा है ना, कि अगर कोई रैशनल नंबर पीरियड के रूप में लिखा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है टर्मिनेट हो रहा है, तो उसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 2 पावर n 5 पावर m में लिख सकते हैं, बस इतना ही ना जी, नीचे वाले क्यू को। जबकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर कोई नंबर है जो जिसका क्यू क्या आ रहा है, 2 पावर n 5 पावर m आ रहा है, और तो x क्या ऐसा हो जाएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन है दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, निश्चित रूप से वो टर्मिनेट होगा यानी शांत होगा। जैसे ना एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, देखेंगे बुक में क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल देखेंगे 1/7 को लिया गया है, जहाँ पे रिमाइंडर क्या देखा गया, 7 को 10 से काट, 1 से कटेगा नहीं तो पॉइंट लेंगे, 1 7 और 1 जो 1 3 आ जाएगा, इसका घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 7 5 जो 28 28 में से 2 घटाएंगे 20 आएगा, 7 2 14 14 घटाएंगे 20 में से 6 आएगा, फिर ले लेंगे 0 ले लेंगे, 7 8 56 फिर 40, ऐसे देखते जा रहे हैं, ये जाते जा रहा है 30 तक, क्या हो रहा है जाकर, ये देखिए यहाँ पे ये 30 आया था, यहाँ पे भी 30 आ गया, नहीं इसके बाद वो निश्चित रूप से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा जी, हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है कुछ प्लेसेस के बाद, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इससे हमको क्या क्लियर मिल रहा है, हमको यह चीज़ मिल रहा है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी वह शांत नहीं होगा, कैसा हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। चलिए तो हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी में देख सकते हैं, इसका उल्टा दिया गया है कि मान लीजिए एक्स इजकल टू पी बटा क्यू है, जहाँ पी क्यू सब आ जाएँ, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि जो क्यू 2n 5 पावर m का रूप हो जाए, n m को इतना होता है, तब एक्स दशम प्रतिशत शांत होता है, मतलब उसका विलोम है जी। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल जो मैं बता रहा था, यहाँ पर देखेंगे तो क्या बताया जा रहा है कि 1/7 का दशमलव प्रतिशत ज्ञात किया गया था, यहाँ शेष क्या मिल रहा है, यह मिल रहा है भाजक 7 मिल रहा है, तो ध्यान से देख रहे हैं दशमलव प्रतिशत शांत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 शेष के रूप में नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या हो जा रहा है, यह रिपीट हो रहा है, यानी इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखेंगे 30 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे, इसके बाद निश्चित रूप से जो आंसर आएगा वह रिपीट होगा। तो हमने क्या देखा जी, हमने देखा कि अब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, किसकी बात हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब हिंदी में क्या कहा जाए, अशांत आवर्ति की बात हो रही है। तो अब यहीं पे क्या हो गया, प्रमेय बना दिया, क्या बना दिया जाए, मान लीजिए एक्स जोड़ पी बटा क्यू परिमेय संख्या इस प्रकार की, क्यू अभाज्य गुणनखंड 2n 5 पावर m के रूप का नहीं है, जाए यानी पूर्णात्मक पूर्णांक है, तब एक्स अशांत आवर्ति, मतलब क्या जी, अगर कोई नंबर है परिमेय संख्या, अगर उसका क्यू नीचे वाला क्या नहीं लिखा जा सकता, 2n 5 m के रूप का नहीं लिखा जा सकता है, तो निश्चित रूप से क्या है, वो निश्चित रूप से अशांत आवर्ती होता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। इंग्लिश में देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, लेट एक्स एक्स कोई रेशनल नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर नीचे वाला क्यू किस रूप में नहीं लिखा जा रहा, नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5 m नहीं लिखा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन उसका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रेकरिंग होगा, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा और बार बार रिपीट होगा। तो आई होप दैट आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ फिर भी तो मैं आपको मात्र 2 लाइन में बताऊंगा, 1.4 एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 लाइन में। देखिए क्या है जी, यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या टर्मिनेटिंग, यह क्या जी हिल गया कोई बात नहीं, ये देखिए टर्मिनेटिंग मतलब क्या, हिंदी में कहते हैं जिसको शांत कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत कहते हैं, और रिपीटिंग को आवर्ती कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या होता है, अगर q इजकल टू क्या हो रहा है, नीचे वाला p बटा q में हम जानते हैं लिखा जाता है इसको, तो जो नीचे वाला q है वह 2 पावर a 5 पावर b है, तो क्या हो रहा है, देन p बटा q इजकल टू टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी शांत परिमेय संख्या
दशमलव प्रसार हो रहा है। अगर वहीं पे कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता तो उसका गुण क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो क्यू डज नॉट इक्वल टू 2a^5b, मतलब क्या क्यू 2a^5b के रूप में नहीं होता, मतलब वह 10 के पावर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जानते हैं 10 का पावर कैसे आता है, 2×5 करेंगे तभी 10 आता है। तो उस समय क्या होता है, अगर इसको हम लोग 2^5b नहीं लिख सकते हैं तो निश्चित रूप से जो p/q है वह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और अशांत आवर्ती होगा ही होगा। तो आई होप दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए एक्सरसाइज में हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिना लॉन्ग डिवीजन करके बताइए कि 13/31/25 क्या है, शांत है कि अशांत है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो देखिए क्वेश्चन को ले लिया हमने 13/31/25। तो हमको क्या देखना है, सिंपल क्या देखना है जी, नीचे वाला क्यू देखना है कि वो किस रूप में है, 2^a है कि 5^b है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें डिनोमिनेटर देख रहे हैं नीचे वाला, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, यह निश्चित रूप से यह देखते हैं 3×1=4, मतलब लास्ट में 3×1=2=6, 5×6=11, यानी निश्चित रूप से यह क्या है 5 से कटने वाला है। यह नहीं, हम देख रहे हैं नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है, 2^0×5^5 हो रहा है, यानी 2^0×5^5 होगा। तो यह क्या है, यह है हम लोग का टर्मिनेटिंग। हमने क्या देखा था जी, हमने देखा ही था अभी ऊपर जस्ट क्या देखा था कि अगर क्यू क्या हो जा रहा है 2^5b आ रहा है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो कंफर्म हो रहा है, तो हमने देखा 13/31/25 क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2^0×5^5 है। तो क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या आ रहा है जी, 17/8, ठीक। तो 17/8 क्या होगा जी, अगर नीचे लॉ डिनोमिनेटर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा, 2^3×5^0। तो यह क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी भले क्या नहीं आ रहा हो, 5 ना आ रहा हो, लेकिन क्या रहा है, 2^3 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यह होगा आपका टर्मिनेटिंग ही होगा। क्लियर हो रहा है, यह शांत दशमलव प्रसार और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन समझ में आ गया, यानी आपको दिखाई दिया कि क्या है यह टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये समझ में आया। शांत वाला तो आप लगा लेंगे क्या आएगा, टर्मिनेटिंग देख लेंगे, 2^0×5^5 कुछ भी आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। एक नॉन टर्मिनेटिंग मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, बाकी सब अपने मन से लगाएंगे, सारा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, नहीं आएगा तब आपको कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। 29/243 पांचवा है, देखेंगे 343 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा, ये जो 343 है, 343 है, तो वह क्या है जी, 343, अच्छा ये 2 से कटेगा क्या, 4×3=7×3=10, 2 से कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा। नीचे वाला क्या है, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो हमको दिखाई क्या दे रहा है, नोट ऑफ द फॉर्म क्या, 2^n×5^m, यह इस रूप में नहीं है ना जी, नहीं है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब क्या जी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्या, जब भी कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी अशांत और आवर्ती। मतलब क्या जी, बस देखेंगे नीचे वाला जो है वह 2 और 5 से अगर नहीं कटता है तो क्या है, निश्चित रूप से वह अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लगा लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह बहुत ईजी हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं जी, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। कह रहा है कि उन सारे डेसिमल एक्सटेंशन रेशनल नंबर के लिखिए जो क्वेश्चन 1 में पहले वाले में ही जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है, यानी इसमें कौन कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है उसको लिखिए। हिंदी में देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब दशमलव प्रसार समझ रहे हैं जी, क्या दशमलव प्रसार होता है, मतलब उसको पॉइंट में लेते आना है। चलिए एक मैं क्वेश्चन करके बता दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं इस तरह से देखेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इस तरह से देखेंगे, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, 13/31/25 लिया ना, 13/31/25 लिया, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे। तो ये देखेंगे तो क्या दिखाई देगा जी, 13/31/25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जानते हैं 5 5 5 5 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 13 कितना 5 का गुणा होगा अपने आप से 5 बार ही होगा, 3
चार ही बार लिया हो, पांच बार होगा। तो इस तरीके से देखते हैं क्या है, हम लोग इसको काटने के लिए क्या करेंगे जी, नीचे हम लोग 10 लाएंगे, 10 लाने के लिए क्या होगा, पाँच पाँच है, फाइव फाइव है, तो इसलिए पाँच दो ना दस, पाँच दो ना दस जानते हैं, तो ऊपर भी हम लोग पाँच दो से गुणा करेंगे, किस से करेंगे, पाँच दो से गुणा करेंगे, और नीचे भी पाँच दो से गुणा करेंगे, तो जानते हैं पाँच दो से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दस आ जाएगा ना जी, दस आ जाएगा। मान लीजिए ऊपर भी हम लोग दो से गुणा किए हैं, तेरह गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, और नीचे भी दो से गुणा किए हैं तो एक में गुणा किए हैं तो दस, इसमें दस दस दस, मतलब इसमें गुणा हो गया दो से तो दस आ गया। तो हम लोग जानते हैं क्या, दो दूना चार, दूना आठ, दूना सोलह, दूना बत्तीस, यानी तेरह गुणे बत्तीस बटा क्या, कितना जी, दस दस सौ, दस से दस दस सौ, दस से हज़ार, दस से दस हज़ार, और लाख, यानी यह वन लाख आएगा। सिंपली एक दो तीन चार पाँच, पाँच जीरो है तो सिंपली हम लोग पाँच जीरो यहाँ पे उठा के लगा देंगे, तीन एक चार एक पाँच। तो क्या देखें जी, हम लोग जानते हैं तेरह गुणे बत्तीस करते हैं तो आता है 416, और 416 को पाँच जीरो से काटेंगे, तीन दो पाँच, हाँ तीन दो पाँच, तो जानते हैं जितना जीरो होता है उतने प्लेस के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं, कितना जीरो के बाद लगाते हैं, जितना जीरो होता है, तो पाँच है तो वन टू थ्री फोर फाइव, यानी फाइव समझ में आ रहा है, फाइव प्लेस के बाद जीरो लगा देंगे। तो इसी को कहते हैं ना, ये जो टर्मिनेटिंग है शांत है उसको दशमलव प्रसार में बदलेंगे, ऐसे ही करके आप बदलेंगे, नीचे दस लेते आएंगे, ऊपर नीचे कुछ भी गुणा करना होगा, पाँच का दो का कुछ भी गुणा करना हो कर लेंगे, और नीचे दस ले आएंगे, दस ले आके क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग क्या करना है जी, मतलब सिंपली जितना अंक जीरो होता है उतने प्लेस के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो यही क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन में यही करना है, डेसिमल एक्सपेंशन, इसी को तो कहते हैं दशमलव प्रसार ना जी, इसी को कहते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रियल नंबर्स देखिए, बताइए कि कौन सा रैशनल नंबर है कि नहीं है, और इफ दे आर रैशनल नॉट अंडर फॉर्म पी बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ यू। अगर रैशनल नंबर है तो पी बटा क्यू देख के आप क्या बता सकते हैं क्यू के बारे में, ये सब ये पूरा चैप्टर में ही ना पढ़ते आ रहे हैं जी, क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे क्या कह रहा है, नंबर देखिए, दशमलव प्रसार देखिए, उसको दिखाया गया, और बताइए कि यह संख्या परिमेय है कि नहीं, यदि परिमेय संख्या है तो पी बटा क्यू के रूप में है, तो क्यू के नीचे के बारे में आप क्या कह सकते। तो देखिए सिंपली क्या कह सकते हैं जी, हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर 41, 43 पॉइंट यहाँ पे देखेंगे ध्यान से क्या हो रहा है, कुछ प्लेस के बाद ये जाके समाप्त हो जा रहा है, तो कुछ प्लेस के बाद जाके समाप्त हो जा रहा है तो निश्चित रूप से यह क्या है, यह निश्चित रूप से टर्मिनेटिंग है, यह क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी शांत दशमलव प्रसार है, यानी यह खत्म हो गया। तो यह मैं बता दे रहा हूँ कि भाई तीसरा का जो पहला है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो जानते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 43, और देखिए कितना प्लेस के बाद 9 है, तो हम लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्लेस के बाद पॉइंट लगाया, तो हम जानते हैं कितना जीरो लेंगे जी, 3, 3, 6, 3, 9 ही लेंगे, यानी कितना जीरो लेंगे, 3, 3, 6 और 3, 9 जीरो लेंगे, तो यह किस रूप में आ जाएगा, P बटा Q के रूप में आ जाएगा। तो यह क्या है, यह है हम लोग का रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि यह क्या है, यह टर्मिनेटिंग है, यह क्या है, शांत है, और शांत संख्याएं क्या होती हैं, अक्सर परिमेय संख्याएं होती हैं, टर्मिनेटिंग होती हैं। तो क्लियर हो रहा है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा ध्यान से देखिए, यह क्या हो रहा है, 120, 1200, 12000, 12 देख रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, यह संख्या खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा, मतलब निश्चित रूप से दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो इस पर भी बार लगाया गया लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो यह क्या होगा, यह निश्चित रूप से नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट भी लेकिन रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या है, रैशनल नंबर। सो आई होप दैट ये पूरा लेसन खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया। आप लोगों को कैसा लगा फर्स्ट लेसन, इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स अ लॉट, सवाकर, गुड बाय, टाटा।